सभी को नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी बाइट्स विद उर्मिला। आज मैं आप लोगों के साथ उड़ीसा, बंगाल, बिहार की फेमस मिठाई खाजा या चिरोटे बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए इन सभी सामग्री की आवश्यकता होगी। यहाँ मैंने 2 कप मैदा, 1 पिंच सॉल्ट, 2 स्पून घी लिया है। ज़्यादा मयम डालने की ज़रूरत नहीं है। अब सभी को हथेली से अच्छे से मैश कर लूँगी और अब थोड़े थोड़े पानी डालकर रोटी के आटा की तरह से ही डो तैयार कर लूँगी। और अब इसे 15 मिनट रेस्ट के लिए रख दूँगी। अब चाशनी तैयार कर लेती हूँ। 1.5 कप चीनी और 1.25 कप पानी डाल दे रही हूँ और अब इसे लगातार 8 से 9 मिनट चलाते रहना है, जब तक एक तार की चाशनी ना बन जाए। आप चाशनी में केसर भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ साटा पेस्ट या साट तैयार कर ले रही हूँ। यहाँ 2 चम्मच मैंने मैदा लिया है और 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ले लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। आप चाहें तो घी या वनस्पति का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा से मिक्स करना है जिससे ये बहुत अच्छा से पेस्ट बन जाए। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अभी एक तार की चाशनी बनी है या नहीं चेक कर ले रही हूँ। अभी थोड़ी और बाकी है। देखिए अब ये एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई। पूरे 8 मिनट लगे हैं। आटे को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। 4 लोई अब ये बना लेती हूँ। आप 5 लोई भी बना सकते हैं। सभी के पेड़े बना लूँगी और चारों लोई से बड़े बड़े रोटी बेल लूँगी। चारों रोटी बेलने के बाद उसके प्रोसेस को मैं बताऊंगी। इसे बहुत पतली भी नहीं बेलनी है, बहुत मोटी भी नहीं बेलनी है। रोटी से हल्का सा मोटा। अब इसके पर जो मैंने साटा तैयार किया था, जो पेस्ट तैयार किया था, उसे लगा दे रही हूँ। आप ब्रश से भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर दूसरे लेयर को रखकर और उसके ऊपर भी उसी तरह पेस्ट को लगाने के बाद आटा स्प्रिंकल कर दूंगी। ये दूसरा लेयर हो गया। अब ये तीसरा, फिर चौथा। इसी तरह चारों रोटी को एक के ऊपर इस तरह से सजाते जाएंगे। ऊपर और नीचे वाले रोटी जो है वो थोड़े बड़े होने चाहिए। प्रोसेस सब एक ही जैसे ही है। अच्छे से टाइट करते हुए रोल को तैयार करेंगे। इसका ध्यान देना है कि बीच में हवा ना रहे। दबाते हुए इसे रोल करेंगे, देखिए इस तरह से, और इसे थोड़े से दबा देंगे हाथ से और 1/2 इंच की, देखिए 1/2 इंच करके इसे इस तरह से काट लेंगे। आप चाहे तो 1 इंच के भी आकार का काट सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा लेयर दिख रहा है। अब इसे अच्छे से बेल लेंगे। पहले ऐसे लंबा और फिर थोड़ा सा चौड़ा करना है तो दूसरे साइड से भी कर सकते हैं। इसे मोटा ही रखना है।
इसी तरह सारे लोई को बेल कर रख लूँगी। एक मैं बिना मोयन का भी आटा तैयार की हूँ, ये देखिए ये एक लेयर से बना रही हूँ। इसमें मैंने मोयन नहीं डाला है और प्रोसेस वही है। देखिए इसके भी लेयर बहुत ही अच्छा बना है। इसे भी इस तरह से बेल कर रख लेंगे। इस तरह से सारे लोई को मैं तैयार कर ले रही हूँ। जो खाजा मैंने बना कर रखा था उसे बेल कर रख ले रही हूँ। अब फ्राई करने चलती हूँ। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देंगे। फ्लेम भी स्लो ही रखना है जिससे खाजा के लेयर को आसानी से खोला जा सके। इस तरह से ऑयल में खाजा को डाल देंगे। दोनों साइड अच्छे से पलटने के बाद दो चाकू के सहारे इसके लेयर को खोलेंगे। देखिए ऐसे मैंने दो चाकू लिया है और इस तरह से लेयर के बीच में चाकू डालकर दोनों को इस तरह से फैलाना है और थोड़ा देर रखना है। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से रखने से फिर अच्छे से लेयर खुल जाते हैं। देखिए कितना बढ़िया। फ्लेम मैंने स्लो ही रखा है। फ्लेम फुल रखने से लेयर को खोलने में परेशानी होगी, टूट जाएंगे खाजा। और ब्राउन होने पर ऑयल से बाहर निकालेंगे। दोनों साइड से लेयर को खोल लेना है। इसी तरह सारे खाजा को फ्राई करके रख लेना है। यहाँ ये ब्राउन हो चुका है, अब इसे मैं ऑयल से बाहर निकाल ले रही हूँ। देखिए यहाँ मैंने सारे खाजा को फ्राई करके रख लिया है और इसे इस तरह से थाली में या कढ़ाई में सजा लेंगे और ऊपर से चाशनी को डालना है। जब खाजा गर्म रहे और चाशनी गुनगुना रहे तभी इसे पानी के सहारे इस तरह से डालते जाऊंगी। उतना सीरा डालेंगे जिससे खाजा में चारों साइड सीरा लग जाए। गुनगुना चाशनी या सीरा पानी के सहारे इस तरह से डालती जाऊंगी। देखिए इस तरह से ऐसे चाशनी डालने से खाजा ज़्यादा मीठा नहीं होता, और यदि ज़्यादा मीठा खानी हो तो चाशनी में डिप करके निकाल सकते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया खाजा बिल्कुल हलवाई की तरह बनकर तैयार है। सीरा पूरा नीचे तक चले गया है। इसे 1 महीना स्टोर करके रख सकते हैं। अब आप भी इसे इसी ट्रिक से ज़रूर बनाइए। अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें जिससे मेरी आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।